मैकडॉनल्ड्स में हुई स्टॉक की कमी ने नोएडा वासियों का स्वाद बिगाड़ दिया है, क्योंकि नोएडा में लगभग सभी मैकडॉनल्ड्स आउटलेट बंद हो चुके हैं। न्यूज ने नोएडा के कई मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पर जाकर मुआयना किया तो पता चला कि नोएडा के लगभग सभी आउटलेट बंद हैं। दरअसल सीआरपीएल और मैकडॉनल्ड्स में 50-50 फीसदी की हिस्सेदारी है। सीआरपीएल अपने लॉजिस्टिक पार्टनर राधाकृष्ण फूडलैंड से मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट पर फूड सप्लाई कराती है। फूड सप्लाई ना होने पर राधाकृष्ण फूडलैंड ने अपने जवाब में कहा है कि लंबे समय से पेमेंट ना होने पर उन्हें ये सप्लाई रोकनी पड़ी है। राधाकृष्ण फूडलैंड के फूड सप्लाई रोकने से उत्तर भारत के 80 आउटलेट प्रभावित हुए हैं। गार्ड कुछ बता नहीं रहा है, परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। अब गाड़ी पार्किंग करने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। अब आगे देखा तो मैकडी बंद है, बताया नहीं रीजन। गार्ड ने कुछ भी बोल रहे हैं कि बंद है बस, और बोल रहे हैं नोटिस पढ़ लो, नोटिस पढ़ने का टाइम ही नहीं है। मैकडॉनल्ड्स के बंद होने में गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन दोनों के विवाद ने नोएडा वासियों का जायका जरूर खराब कर दिया है, जिसका हर्जाना लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये हर्जाना कब तक भुगतना पड़ेगा। नोएडा से न्यूज के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।